तो फार्मिंग सिम्युलेटर 2022 के एक नए मजेदार एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। लास्ट टाइम जब हमने फार्मिंग सिम्युलेटर खेला था तब हमें कोई आइडिया नहीं था कि खेती कैसे करते, गेहूं कैसे उगाते, कहां पर बेचते, कहां पर स्टोर करते, कुछ भी आइडिया नहीं था। और थोड़ा बहुत जो हमने प्रोग्रेस किया था ना वो सारा का सारा प्रोग्रेस मैंने डिलीट कर दिया हूं, क्योंकि मैं चाहता था अभी जो हमारी स्टार्टिंग है वो एकदम बढ़िया हो। और उसके साथ मैं फार्मिंग के एक्सपीरियंस को दुगना बनाने के लिए आज हम सारी की सारी व्हीकल्स हम अपने स्टीयरिंग व्हील के साथ में चलाएंगे, क्योंकि स्टीयरिंग व्हील के साथ मैंने फार्मिंग का मजा एकदम दुगना हो जाएगा। और उससे पहले एक और चीज, नए आए हो चैनल पे, एंजॉय कर रहे हो, एंजॉय करोगे तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल के ऊपर ऐसे ही बढ़िया बढ़िया गेम प्लेज और ऐसे ही बढ़िया बढ़िया सीरीज आते रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। सेकंड चैनल और इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वो भी जरूर चेकआउट करो, मैं उस पर भी बढ़िया बढ़िया कॉन्टेंट अपलोड करता रहता हूँ। और इसके साथ में अभी हमारे पास में है 1 लाख यूरो, अभी चल रहा है अगस्त का महीना मतलब गर्मियों का, और हमारे पास में हमारे अलावा 2 और फार्मर्स है। अभी हमारा काम ये है कि जितना भी गेहूं ये उग चुका है इसको अपने को हार्वेस्ट करना है, उसको ये सीलो के अंदर डालना है, फिर उसको लेके जाकर मार्केट में बेचना है। तो गेहूं को निकालने के लिए ना अपने को इस वाली मशीन की जरूरत पड़ेगी। तो फटाफट से ना एक काम करते हैं, पहले ना मैं इसके अंदर बैठ जाता हूँ और टॉप लाइनर मशीन को जो हार्वेस्टर है वो पहले तो अटैच कर देते है, बुलडोजर को थोड़ा सा आगे लेते हैं, उसके बाद में हम एक वर्कर को बोल देंगे हमारे जो फार्मर है कि वो फटाफट से यहाँ पर से सारा का सारा गेहूं निकाल दे, क्योंकि मेरे को जाकर ना पीछे वाली जमीन पर जमीन जोतना है, शायद यही बोलते है, क्योंकि वहां पर अभी अपने को और काफी ज्यादा खेती करनी है। तो फटाफट से चलते ये वाली जगह पर, क्योंकि हम जब तक ये वाला काम करेंगे ना, यहाँ पर जमीन तोड़ने का काम करेंगे, तब तक वहां पर गेहूं सारा का सारा जमा हो जाएगा। तो ये है हमारा ट्रैक्टर, फटाफट से इसके अंदर बैठ जाते हैं। पहले जो इसके अटैचमेंट्स है ना वो सारे के सारे अटैचमेंट्स लगा लेते, सामने से वेट लगा दिया, पीछे से मशीन उठा दी और फटाफट से ना पहले तो आगे लेते। ये वाला काम ना मैं अपने फार्मर को नहीं दे रहा हूँ, ये वाला काम हम खुद ही करेंगे। उससे पहले ना सामने कुछ तो बता रहा है, तो जाकर पहले वो चेक कर लेते हैं। बेटा टूर वूर की जरूरत नहीं है हमको, गाइड की हमको हर एक चीज पता है, अब हम सारी की सारी चीजें खुद ही करेंगे। और स्टीयरिंग व्हील से फायदा ये हो रहा है कि अब जब हम गाड़ी चला रहे हैं ना, अगर मेरे को सिर्फ 1 या 2 की स्पीड में भी अगर ट्रैक्टर को चलाना हो तो हम काफी ज्यादा आसानी से ना ट्रैक्टर को चला पा रहे हैं फुल कंट्रोल के साथ में, वो भी तो पीछे के वेट को कर देते हैं सबसे पहले नीचे। और स्टीयरिंग व्हील को ना हमको एकदम स्ट्रेट रखना है, कोई भी गड़बड़ नहीं करनी। और अगर अंदर से कैमरा देखोगे तो भाई ये वाला व्यू मेरे को सबसे ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि ना एकदम परफेक्ट फार्मर वाला फील आता है। और अभी ना हम एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट जा रहे हैं, थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं कर रहा, वरना काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अपने को ना फिर पूरी की पूरी लाइन ना मतलब अगर कोई बीच का सेक्शन छूट जाए तो हमको डबल से काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर आने के बाद अपने को पीछे के वेट को करना है ऊपर, ठीक है, उसके बाद में पूरी तरह से स्टीयरिंग को घुमाना है और यहाँ पर ना उसको एकदम परफेक्ट तरीके से लगा देना है। और भाई साहब स्टीयरिंग व्हील के साथ में सच बताऊं काफी ज्यादा मजा आ रहा है, हर एक चीज ना एकदम परफेक्ट काम कर रही है, क्योंकि ये गेम शायद से कुछ इसी तरह से डिजाइन किया गया है, क्योंकि स्टीयरिंग व्हील के साथ में ना मैं एकदम परफेक्ट टर्न ले सक रहा हूँ और काम ना एकदम स्पीड में और एकदम अच्छे से कर सक रहा हूँ, क्योंकि माइनर माइनर टर्न ना मैं कीबोर्ड पर नहीं कर सकता। ओहो, तो एकदम परफेक्ट लाइन में हम काम किए जा रहे हैं भाई। फिर से वेट को उठाना है, ट्रैक्टर को करना है यू टर्न। वैसे ये वाला जो टर्न कर रहे हैं ना, ये वाला टर्न हम काफी ज्यादा गलत कर रहे हैं, हमको ना अपने फील्ड पर ही अगर ट्रैक्टर को हम अच्छे से घुमा ले अंदर से, भाई साहब पूरा पूरा फील आ रहा है। और यस हम एकदम परफेक्ट टर्न कर चुके हैं, थोड़ा सा कॉर्नर में लेके जाकर ना फिर स्टीयरिंग करेंगे एकदम स्ट्रेट, मतलब देख रहे हो थोड़ा बहुत भी स्टीयरिंग में डिले नहीं है, हर एक चीज मतलब जहां मैं यहां पर स्टीयरिंग घुमा रहा हूं वहां पर स्टीयरिंग घूम जा रहा है। खैर वैसे लॉजिटेक ने मेरे को स्पॉन्सर नहीं किया स्टीयरिंग व्हील, मगर ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं, कर देते स्पॉन्सर तो काफी अच्छी बात होती, पर खैर कोई बात नहीं। चलो यहां पर आ गए, और मैं अभी मैन्युअली काम इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि वहां पर ना अभी गेहूं निकलने का काम चल रहा है, अगर वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा ना तो फिर ना मैं यहां पर वर्कर को बोल दूंगा कि भाई तू फटाफट से ना स्पीड में काम कर दे, क्योंकि जो हमारे फार्मर है ना वो काफी ज्यादा स्पीड से करते हैं काम। और यस भाई साहब हम भी एकदम परफेक्ट किसान हो चुके हैं अब, ये देख रहे हो मैं सिर्फ 1-2 की स्पीड में चलाना चाहता हूँ तो मैं 1-2 की स्पीड में भी चला पा रहा हूँ गाड़ी। और एक नजर घुमा के चेक कर लेता हूँ तो भाई साहब यहाँ पर तो पूरा ही काम हो गया, तो तब तक ना मैं यहाँ पर ना वर्कर को बोल देता हूँ कि भाई तू आ जा, थोड़ा सा बस रिवर्स कर लेता हूँ ताकि वर्कर को हायर कर सकूं। चलो तो वो आ गया, वो परफेक्ट काम करता रहेगा।
जाएगा। तब तक ना हम एक काम करते हैं, जो बड़ा वाला सीलो है ना, इसके अंदर सारा का सारा जो गेहूं अभी हमने यहाँ से निकाला है ना, वो सारा का सारा उस सीलो के अंदर स्टोर कर लेते हैं। तो फटाफट से अब इसके अंदर बैठते। ओ भाई साहब, काफी ज्यादा हैवी हैवी हो चुका है स्टेयरिंग पर। अभी तो गाड़ी चलाए नहीं, मगर स्टेयरिंग काफी ज्यादा हैवी हैवी फील हो रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी है भाई। इसको थोड़ा ना एकदम इत्मीनान से और एकदम आराम से चलाना पड़ेगा। चलो अब थोड़ा सा रिवर्स टर्न करते, वरना जाते जाते ना हम हमारी गाड़ी को ना ठोक दिए तो हो जाएगा भाई साहब। नहीं 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 नहीं, एकदम इतनी गड़बड़ी नहीं, एकदम आराम से अपने को सारे के सारे काम कर रहे हैं, कोई बात की गड़बड़ नहीं। और थोड़ा सा यहाँ से ऐसे टर्न करके चलता हूँ, क्योंकि हमको पाइप निकाल करना, सारा का सारा गेहूं उसके अंदर स्टोर करना है, क्योंकि रिटर्न अगर मैं टर्न करके लाता तो फिर दिक्कत हो जाती पाइप निकालने में। इसीलिए हमको कुछ इसी तरह से लेके जाना और एकदम परफेक्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि गेहूं ना जमीन पर गिर सकता है और अपना नुकसान हो सकता है। वैसे पता नहीं इस बार कितने गेहूं हमने निकाला है, मगर एक बार चेक कर ही लेते हैं। यहाँ पर आ ही गए तो फटाफट से पाइप को निकालता हूँ बाहर, और शायद से यस एकदम परफेक्ट हमने लगाया है इस बार। यस एकदम परफेक्ट तो नहीं, मगर लगाया है, थोड़ा सा ठीक लगाया है, पिछली बार से तो काफी अच्छे से लगाया। चलो तो पूरा का पूरा गेहूं आ चुका है। अभी टॉप लाइनर को ना उसी की जगह पर लगा देता हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास में ना और खेती नहीं है करी हुई, वरना इसको वहां पर लेके जाकर प्लेस कर देते, मगर अभी फिलहाल में इसका इतना कुछ काम है नहीं। और भाई साहब स्टीयरिंग काफी ज्यादा हैवी हैवी फील हो रहा है टर्न करते टाइम। चलो इसको यहाँ पर लगा दिया, इधर से उतर जाते, मगर उतरने से पहले ना इसको डिटैच करता हूँ, उसके बाद में फिर उतरूंगा। और यहाँ पर क्या पूरी तरह से काम हो चुका है, मेरे को नहीं लगता यहाँ पर पूरी तरह से काम हुआ है, थोड़ा सा एक दो लाइन बची है, शायद से नाम हमारे ट्रैक्टर के अंदर यहाँ पर का गेहूं स्टोर करने तक पूरी तरह से काम हो जाएगा। तो ये रहा हमारा ट्रैक्टर, इसके अंदर बैठ जाते, पीछे के ट्रेलर को कर लेते हैं अटैच, उसके साथ में इसको करता हूँ अनकवर, और यहाँ से थोड़ा सा ना उसको टर्न करके वहां से घुमा कर लेके आते फटाफट से। ओ भाई पूरा पूरा फील। और इसको भी ना जहाँ से पिछली बार टॉप लाइनर को लेके गया था ना, इसको भी वहीं से लेकर जाते, क्योंकि अभी गेहूं स्टोर कर करना जो कंपनी में अपने को डिलीवर करना है ना, वो कंपनी काफी ज्यादा दूर है। इसके साथ में अंदर का अगर व्यू बताऊ तो अंदर से तो लुक अलग ही है भाई साहब, अंदर से लुक एकदम अलग है। तो इसको कुछ इस तरह से यहाँ पर ला करना, थोड़ा सा ट्रैक्टर को आगे ले लेता हूँ और फिर इसको प्लेस करेंगे, क्योंकि ऊपर से ये वाला जो पाइप दिख रहा है ना, इसके अंदर गेहूं गिरेगा, मतलब उस वाले पाइप से गेहूं गिरेगा, और मैंने बराबर से नहीं लगाया यार। इसको वैसे ही एज इट इज रिवर्स ले लेते हो और थोड़ा सा अंदर करके ना इस बार लगाएंगे हम, इतना काफी रहेगा मेरे हिसाब से, थोड़ा सा माइनर सा, ताकि पूरा का पूरा गेहूं आए, कोई भी मतलब एक दाना भी ना छूटे, क्योंकि भाई बहुत मेहनत लग जाती है उगाने के लिए, तो इतना मेरे हिसाब से सही रहेगा। या फिर थोड़ा सा और आगे ले लेते हैं, तो फटाफट से इसको कर देते हैं फिल। अगर देखेंगे यहाँ पर 4148 केजी टोटल गेहूं निकला है, और ये पूरा का पूरा स्टोर हो चुका है। तो इसको पहले तो कवर कर लेता हूँ, ठीक है, और कवर करने के बाद ना यहाँ पर इसको लगाता हूँ। और पीछे का अगर देखोगे तो यहाँ का पूरी तरह से काम कंप्लीट हो गया, बस यहाँ पर की थोड़ी सी जगह छूट गई है, ये शायद से ना हमसे छूटी है। तो अब फटाफट से चलते हैं, क्योंकि अभी हमको काफी ज्यादा दूर जाना है, और ऐसे नहीं चलाएंगे इस बार, हम ऐसे चला के लेके जाएंगे, क्योंकि अगर मैप में तुम लोगों को बताऊं तो देख रहे हो अभी हम कहां पर है और यहां से अपने को कितनी ज्यादा दूर जाना है, मगर काफी ज्यादा मजा आएगा। तो एक काम कर, तो ये वाले मैप को अभी रहने दो ऐसे, चलो छोटा कर देता हूँ, और एक बार जरा नजर घुमा लेते आगे पीछे कोई है नहीं है। चलो अब सामने नजर रख के एकदम अच्छे से अपने को लेके जाना है भाई साहब। इसमें ना ऑटोमेटिक वाला भी फीचर है, अगर मैं ऑटोमेटिक इसको ऑन कर दू ना तो ये खुद ब खुद चलता रहेगा। अबे चलना, यस अब चल रहा है, और मैं चाहता हूँ इसको मैं फुल स्पीड में भगाऊ, ऐसे इसकी स्पीड भी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ कि कितनी ज्यादा स्पीड में चलना चाहिए। तो मैंने इसकी स्पीड को ना लॉक कर दिया, और देख रहे हो कितने ज्यादा परफेक्ट टर्न्स हो रहे हैं इसके ऊपर, और अंदर से ना मेरे को ज्यादा मजा आ रहा है, मगर जो जजमेंट है ना वो सिर्फ और सिर्फ बाहर से आ रहा है। और मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि और कौन सी सीरीज देखना चाहते हो, मतलब स्टीयरिंग व्हील के साथ में, क्योंकि अभी मेरे पास में फार्मिंग सिम्युलेटर 2020 है, फोर्जा होराइज़न 5, यूरो ट्रक सिम्युलेटर और बस सिम्युलेटर 2021, इतने सारे गेम्स मैंने अभी डाउनलोड करके रख लिया स्टीयरिंग व्हील के साथ खेलने के लिए। और फोर्जा होराइज़न 5 का बिना बहुत जल्द एपिसोड तुम लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। और मैप कहाँ चला गया, मैप यहीं पर है ना। चलो
और भाई मैं हॉर्न बजा रहा था, फिर हॉर्न बजाने के चक्कर में रास्ते में ही हमने ट्रेलर छोड़ दिया। मतलब हमारे 4-6 महीने की मेहनत ना ऐसे ही वेस्ट हो जाती है और हमको पता भी नहीं चलता अंदर की व्यू से चला रहे भाई साहब। खैर हॉर्न वॉन कुछ नहीं बजाना, ऐसे ही कनेक्ट करते और चलते चुपचाप से। चलो हो चुका ट्रेलर अटैच, ज्यादा भी फील नहीं लेना वरना नुकसान हो जाता अभी मेरा। मैं वही सोचू, मैं राइट साइड के मिरर में देख रहा हूँ और ये सोच रहा हूँ कि ये कौन सी चीज है जो पीछे छूट गई। वाह भाई। और यहाँ से ना हमको टर्न करना था और हम बात करते करते ना सीधा सीधा निकल गए। थोड़ी और स्पीड होती ना हमारे ट्रैक्टर की तो और काफी ज्यादा मजा आ जाता। वैसे मेरा कैमरा ना थोड़ा सा येल्लो येल्लो हो रहा है तो उसे थोड़ा सा अवॉइड करना, क्योंकि जब मैं थोड़े से डिस्टेंस से बैठ कर रिकॉर्ड करता हूँ ना पता नहीं कैमरे को क्या हो जाता है। बहुत उम्मीदों से लॉजिटेक C922 Pro खरीदा था मगर दिक्कत हो गई। वैसे कुछ टाइम के अंदर ना मैं अभी कैमरा चेंज कर दूंगा, मैं सीधा DSLR पे जंप कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को अगर क्वालिटी नहीं मिली तो मेरे को काम करने में मजा नहीं आता। मैं चाहता हूँ हर एक चीज ना एकदम परफेक्ट रहे और हर थोड़े दिन में ना मेरा काफी ज्यादा दिमाग खराब होता है। वैसे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से लेकर जाता हूँ बुलडोजर को और टर्न कर ना वहां से लेके आता हूँ, क्योंकि रिटर्न भी तो अपने को जाना रहेगा और यहाँ पर ना सारा का सारा गेहूं अपने को ड्रॉप करना है। तो ऐसा है कि हर एक चीज अगर परफेक्ट नहीं रही तो मेरा काम करने दिल नहीं करता, इसीलिए मैं बहुत जल्द जंप कर लूंगा दूसरे कैमरे पर। तो आ चुके हम हमारी लोकेशन पर, तो अब कैमरे को थोड़ा सा बाहर करते और इधर ना सीधा पूरा का पूरा बुलडोजर लगा देता हूँ, और लगाने से पहले बंदा क्या बोल रहा है वो चेक कर लेते हैं। और यस यहाँ पर आ गया। तो जितना गेहूं हमने लेके आया है वो सारा का सारा गेहूं इधर डंप कर देते हैं, बस अब जाएगा शायद से। यस चलो, तो पूरा का पूरा गेहूं यहाँ से हमने कंपनी को दे दिया। ट्रेलर को कर लेते हैं नीचे, कवर लगा देता हूँ उसका, चलते फटाफट से। आप ना थोड़ी सी स्पीड में जा पाएंगे क्योंकि हमारे पास में ना अभी बिल्कुल भी वेट नहीं है। ओ भाई हॉर्न बजा ले, कितनी ज्यादा तेज चलाते हैं यहाँ पर लोग गाड़ी। वैसे हमको राइट टर्न करके जाना है, हम सीधा सीधा निकल गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी और अंदर का व्यू हमारे लिए सबसे बेस्ट है। तब फुल एक्सेलरेटर पर मैंने पैर दे दिया क्योंकि हमको एकदम स्पीड में जाना है। और सामने अगर देखोगे तो वो ग्रीन ग्रीन वाली जगह, मतलब उस लोकेशन पर अभी अपने को जाना है जो कि काफी ज्यादा दूर है। तो मैं अभी गली गली से नहीं ले रहा, मैं सीधा हाईवे से जा रहा हूँ, क्योंकि हाईवे से ना काफी ज्यादा स्पीड से हम पहुंच जाएंगे। सारा ट्रेलर वगैरह हर एक चीज एकदम बढ़िया अटैच है ना, चलो वरना पता चले हम भूल जाए और फिर हमको डबल जाना पड़े। तो राइट साइड में ये है हमारा खेत, मगर हमको यहाँ पर नहीं जाना, इससे भी थोड़ा सा आगे एक शॉप है जहाँ पर सीड्स वगैरह वो मिलते हैं, व्हीकल को खरीद सकते हैं बेच सकते हैं, टूल्स वगैरह वो खरीद सकते हैं बेच सकते हैं। वैसे तुम लोगों को बता दूं तो ये वाला भी जो खेत है ना, ये वाला भी खेत राइट साइड का हमारा ही है। और अभी ना हम थोड़े टाइम तक ना दूसरों के खेत में भी जाके काम करेंगे, क्योंकि उससे ना हम और एक्स्ट्रा पैसा बना सकते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनें खरीदने के लिए ना अभी हमारे पास में उतना ज्यादा पैसा नहीं है। और अभी हम गेहूं भी नहीं उगा सकते क्योंकि अगस्त का महीना चल रहा है। और एक काम करता हूँ, यहाँ से पीछे साइड तो कोई गाड़ी आ नहीं रही है, यहाँ से सीधा टर्न करके इसको लगा देते हैं कुछ इस साइड में, ताकि हम यहाँ से यू टर्न करके ना फिर जब हमको जाना हो तो यहाँ से ऐसे यू टर्न करके चले जाए। तो ये वो जगह है जहाँ पर हम गाड़ियों को रिपेयर कर सकते हैं, चीजों को खरीद सकते बेच सकते हैं, मतलब व्हीकल से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें हम खरीद सकते बेच सकते। कोई आ रहा है नहीं आ रहा है ना, चलो देते स्पीड में एक्सीलरेटर पे पैर और चलते फटाफट से घर, क्योंकि अभी मेरे को यहाँ पर आना और यहाँ पर आके ना कुछ चीजें परचेस करनी है, क्योंकि अभी हम घास उगाने वाले हैं। अगस्त में तो वीड उगा नहीं सकते तो घास ही उगाना पड़ेगी, क्योंकि सीजन के हिसाब से ही खेती होती है। और ये हमारे पड़ोसी ने शायद से कॉटन तो नहीं उगाया, कॉटन वाले झाड़ तो लग रहे हैं मगर पता नहीं कॉटन है या क्या है, कोई आइडिया नहीं है। और ठीक उन्हीं के बाजू में हमारा खेत है जहाँ पर हमने अभी तक कुछ नहीं उगाया। तो एक काम करता हूँ, पीछे से कोई सामने से कोई आ रहा है नहीं ना, यहाँ से टर्न करके ना बुलडोजर को लगा देते सीधा अंदर, जहां से उसको निकाला था वहीं पर स्टोर कर देते पूरी तरह से। चलो आ गए हम यहाँ पर, हो चुका ना इसका काम। चलो अब हमारे पास में अभी दो जमीन रेडी है, एक तो ये वाली जमीन, उसके बाद में ये बैक साइड वाली जमीन जहाँ पर हम कुछ भी चीज हो ये सीजन के हिसाब से उगा सकते हैं। तो एक बार चेक कर लेते कि अभी हम क्या उगा सकते हैं। तो वीट, बार्ली, कैनोला, ओट, कॉर्न, ये सारे के सारे ना अभी हार्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब ये हार्वेस्ट वाला सीजन है, प्लांटिंग वाला सीजन नहीं है। प्लांटिंग वाला सीजन अभी सिर्फ ना ऑलिव्स के लिए है, ग्रास के लिए है और ऑयल सीड्स के लिए भी है थोड़ा बहुत। तो एक काम करते पहले ना हम ग्रास खरीदते हैं, और ग्रास खरीदने जाने से पहले मेरे को अपनी छोटी वाली गाड़ी लेना पड़ेगा, और मेरे को ऐसा लग रहा है ग्रास के अंदर मेरे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और उससे पहले यहाँ पर जो एक गाड़ी खड़ी हुई थी हमारी, शायद से यस ये वाली गाड़ी, इसके बैक साइड में मेरे को ऐसा लग रहा था यस यहाँ पर सीड्स लगे हुए हैं, तो मैं पता नहीं इसको लगा सकता हूँ यहाँ पर या नहीं। दिस फ्रूट कैनॉट बी प्लांटेड इन अगस्त, तो शायद से इसके अंदर कोई ऐसी
चीजें जो अब अगस्त में अभी उगा नहीं सकते, तो उसके लिए मेरे को इसे अनलोड करना पड़ेगा। और अनलोड करने के बाद ना ये कुछ ऐसे पैकेज बन के यहाँ पर आ गया और ये कुछ ज्यादा वेटेड है भाई, तो उसको अभी फिलहाल के लिए ऐसे ही रहने देते हैं। हम जाकर ना ग्रास के सीड्स लेके आते हैं क्योंकि वो बेचने में भी काम में आ जाएंगे हमारे, और उसके साथ में इन फ्यूचर जब हम एनिमल फार्म भी खोलेंगे, मतलब काफी ज्यादा जल्दी खोलेंगे, तो हम वहां पर भी ये घास उनको खिला सकते हैं, मतलब ग्रास, क्योंकि उनके फिर चारे का बंदोबस्त ना अपना खुद का रहेगा, तो बाहर से बार बार अपने को खरीद के लेके आने की जरूरत नहीं है चारे को। चलो तो भाई ये वाली गाड़ी की ना स्पीड काफी ज्यादा है, इससे तो हम एकदम स्पीड से पहुंच जाएंगे, फुल स्पीड से लेके जाते हैं तुरंत। वैसे मैनुअल गियर भी डाल सकते हैं, मगर मैनुअल पे मैंने सेट नहीं करा, मैंने डायरेक्ट ऑटोमेटिक पर ही सेट करके रखा हुआ। और मेरे को ऐसा लग रहा है शायद से हम आ गए है, यस ये वाला टर्न हमको करना है। सपोर्ट लोकल फार्मर्स, यस सपोर्ट लोकल फार्मर्स। वैसे ये बाइंग एंड सेलिंग में कहीं और आ गया शायद से, ऐसा लग रहा है। नहीं, मैंने पहला वाला टर्न कर लिया, ये वाला टर्न था वो। और उसके साथ में ना मेरे को एक चीज ये करनी पड़ेगी, मेरे को जाकर ना पहले सीट्स खरीदने पड़ेंगे ना, तो गाड़ी को मैं पहले अच्छे से पीछे टर्न करके ना पार्क कर देता हूँ, क्योंकि वो सारे के सारे सीट्स ना हम इसके बैक साइड में ही लोड करके लेके जाने वाले। पहले ये चेक कर लेता हूँ ये खुलता है कि नहीं। यस, तो इसको खोल दिया हमने, अब फटाफट से जाते हैं और कुछ ग्रास सीड्स खरीदते हैं। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो ग्रास, ये रही ग्रास, और इसके लिए तो भाई बहुत सारी चीजें अपने को खरीदनी पड़ेगी, मतलब ये पहले मोर खरीदना पड़ेगा जो 12,000 यूरो का है जो ग्रास लगाता है, और उसके बाद में $30,000 की वाली मशीन खरीदनी है जो ग्रास निकालती है, मतलब कुछ ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हो जा रहा इस पे। A few moments later. तो भाई अभी ना ये रहने देते हैं क्योंकि बहुत इन्वेस्टमेंट लग रहा है और हमारे पास में उतना पैसा है नहीं, तो हम एक काम करते हैं, हम खुद मशीन नहीं खरीद सकते मगर हम दूसरों का काम तो करके दे सकते हैं और पैसे भी तो कमा सकते हैं। तो फील्ड 39 पर फर्टिलाइजिंग का काम है इन मैडम के पास में, जिसका पैसा वो दे रहे हैं 8,300, मगर उसके लिए ये टूल्स की जरूरत है और ये मेरे पास में टूल्स है नहीं, मगर ये टूल्स मैं बोरो करके काम करके दे सकता हूँ, जिससे मेरे को 8,307 का प्रॉफिट होगा। मतलब अगर 300, 400 या 1,000 भी ये मशीनों का रेंट रहा तो भी मैं $7,000 प्रॉफिट में होगा। एक काम करते हैं, पहले तो मैं बोरो करता हूँ आइटम, और सारी की सारी चीजें आ गई भाई साहब यहाँ पर। और ये कुछ ज्यादा बड़ी मशीन नहीं है, और ये भाई साहब कुछ अनोखी लग रही है। पहले तो एक काम करता हूँ, इसको ना मैं अटैच कर लेता हूँ यहाँ से, उसके बाद में फील्ड 39 जाना है हमको। फील्ड 39 पहले चेक करना पड़ेगा कि फील्ड 39 अपने घर से कितनी ज्यादा दूर है। यार हम खुद अगर फार्मिंग नहीं भी करें तो हम इससे भी अच्छा खासा पैसा स्टार्टिंग में बना सकते हैं, जो कि मैंने सोचा ही नहीं था। मैं सोच के आया था कि आज मैं घास उगाऊंगा। चलो इसको कर दिया मैंने अटैच, ऐसे ही थोड़ा सा रिवर्स लेते हैं, उसके बाद में ना सामने से ये वाले वेट को भी लगा देते हैं, क्योंकि वेट लगाना काफी ज्यादा जरूरी है। मगर ऐसा लग रहा मेरे को वेट के लिए ना मेरे को गाड़ी घुमा कर लेके आना पड़ेगा, या फिर ऐसे से काम हो जाएगा, हो जाना चाहिए। यस ऐसे से काम हो गया, सामने से वेट उठा लिया। अब चेक करते हैं कि फील्ड 39 है किधर। अभी है हम यहाँ पर, और यहाँ से हमको बस स्ट्रेट ऐसे जाना है और ये फील्ड 39 पर हम एकदम आसानी से पहुंच जाएंगे। तो फटाफट से चलता हूँ क्योंकि टाइम की काफी ज्यादा कमी है, टाइम इज मनी। वैसे मेरे को इतना पता भी नहीं कि वहां पर जाके करना क्या है, पर जाने के बाद मालूम पड़ जाएगा। पैसा लेना है अपने को, काम करना है अच्छे से, अपना नाम करना है और वहां से निकल जाना है। और मेरे को ऐसा लग रहा है यहाँ से अपने को राइट साइड में जाना है आगे से, क्योंकि मैप में अगर देखोगे तो 31 लग चुका है, अब 39 इसके बैक साइड में होगा। तो दो रास्ते शो कर रहा है, एक लेफ्ट साइड का और एक राइट साइड का। राइट वाले रास्ते से जाऊंगा, मेरे हिसाब से वो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा ना सिंपल वाला रास्ता है। ये वाला स्ट्रेट रास्ता जा रहा है, मगर आगे जाकर ना एक शॉर्टकट वाला रास्ता टर्न करने के लिए बता रहा है, जो कि मैं नहीं चाहता कि वापस अपने को इतनी दूर से ना पलट के आना पड़े। और यार ये गाड़ी के अंदर ना अंदर का व्यू काफी ज्यादा बढ़िया होता है, बाहर से ना मजा नहीं आता होता ना, अंदर से ऐसे ही एकदम मस्त टर्न करते करते लेके चले जाएंगे। और फील्ड 39 पीछे रह गई, मैं आगे जाता जा रहा हूँ, और ये है हमारी फील्ड 39। तो एक काम करना पड़ेगा मेरे को, तो यहाँ से एक रास्ता जा रहा है अंदर की ओर, तो मैं यहाँ से ना एक काम करता हूँ, यहाँ से टर्न करके ना सीधा गाड़ी अंदर ले लेता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट तो काम करना स्टार्ट कर नहीं सकते, पता नहीं कुछ और काम के लिए बुलाया और हम कुछ और ही काम करके चले जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। पर यहाँ से मैं पूरा फील्ड क्रॉस कर दिया भाई, फील्ड 39 कितनी ज्यादा बड़ी है, मेरे को तो लगा नहीं था इतनी ज्यादा बड़ी होगी। और यहाँ से तो पूरी की पूरी फील्ड खत्म हो गई, मगर यहाँ पर अगर देखोगे तो भाई साहब बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। मतलब मैं वही तो सोचूं, 8,000 ये दे रहा है, मगर 8,000 में कितना काम करना पड़ रहा है अपने को और कितने दिन लगेंगे वो तो पता ही नहीं, क्या अपने को दिन कितने लगने वाले। खैर अब फटाफट से स्टार्ट करते हैं, बी टू टर्न ऑन फर्टिलाइजर। ओके
और यस, जैसे तैसे करके हमने काम कर दिया। हमने अपने वर्कर को बोल दिया था कि भाई फर्टिलाइजर लेके आ जाओ और यहाँ पर काम स्टार्ट कर दिया, मगर आधे से ज्यादा फर्टिलाइजर तो ये हवा में उड़ा दे रहा है। खैर दिक्कत नहीं है, तो फटाफट से यहाँ पर काम करता रहे। एक काम कर, मैं क्यों ऐसे घूमू, मैं तेरे साथ में चलूंगा। और भाई साहब, हम यहाँ पर मीटर में चेक कर देंगे कितना ज्यादा फर्टिलाइजर बचा है, कितनी फील्ड बाकी है, कितनी नहीं। इसमें तो भाई बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। खैर हमारा यहाँ पर वर्कर काम करता रहेगा। वैसे यहाँ से ना थोड़ी सी क्रॉस है फील्ड, 2-3 राउंड के अंदर ना पूरी फील्ड कवर हो जाएगी। तो अपन चलते तब तक अपने घर, क्योंकि अभी हमारा यहाँ पर ना बिल्कुल काम नहीं है। अपना वर्कर जो है, अपना फार्मर, वो काम करता रहेगा। तो अपन एकदम आराम से घर जाकर थोड़ा सा और आराम कर लेते हैं और बाकी सारी चीजों को अगले एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। तो बस फिर आज के एपिसोड को इतने रखते हैं। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। नए आए हो चैनल पे, एंजॉय किया तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि चैनल के ऊपर ऐसे ही बढ़िया बढ़िया गेम प्लेज और ऐसे ही बढ़िया बढ़िया सीरीज आते रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, और सेकंड चैनल और इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वो भी जरूर चेकआउट करो। मैं उस पर भी बढ़िया बढ़िया कॉन्टेंट अपलोड करता रहता हूँ। तो मिलता हूँ तुम लोगों से अगले एपिसोड में। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।